मैं उस टाइम 4 महीने दी सी। मैं तो फादर की शक्ल तक भी नहीं देखी, उन्हों का चेहरा भी नहीं देखा। एक कह दो कि एक बाप का प्यार वो नसीब नहीं होया मैनू। तो माता जी ने तो सारी जिंदगी मेरे ते निशावर करती। गुरु घर की सेवा करते हैं, गुरु घर च कीर्तन करते हैं। 24-25 साल हो गए बिंद्रक साहब वो सेवा निभाते हैं, तो एवं ही गुजारा साडा चलता आ रहा है हुण तक। आप जी ने एक काम सच्ची पाशाह तुहाडे थ्रू जदों 5-7 दिन पहला तुसीं इस परिवार नाल सहमत हो के तुसीं इत्थे चैनल दे उत्ते इन्हां इंटरव्यू लैके भेजिया, वो वीडियो देखण ते सानूं थोड़ा दुख भी महसूस होया ते असीं इत्थे दौड़ के आए हां। जिन्हें मेरे सहयोगी वीर ने, जिन्हें मतलब जिन्होंने साथ दे रहे ने, सारे सारे का दिलों धन्यवाद। सरपंच साहब का धन्यवाद, मोहाली तो आए ने इन्हों का धन्यवाद, पिंड वाले का धन्यवाद, बाबा हरमन सिंह जी का धन्यवाद, थोड़े चैनल का धन्यवाद, क्योंकि थोड़े संजोग के नाल ही ये जोड़ा मुद्दा है ये चक हो। रोपड़ जिले के पिंड पंजोला विखे पिछले दिन ही एक शहीद परिवार की वह तस्वीर दिखाई सी, मकान की कि खंडर हो चुका सी। मामा ते धीआं जो छोटे छोटे बच्चों समेत दोए परिवार के रहिंदियां ने, ते उन्हां नूं बाहर रहण लई मजबूर सन। पिछले दिन जो वीडियो पाई गई सी, बलविंदर सिंह बारा नां दा नौजवान जो पुलिस वल्लों चक के तसद्दद करके शहीद कर दिता गया सी। सो उस तों बाद नगर निवासियों ने ते होर बाहरी संगतां ने सहयोग दिता है कि अज इत्थे पिंड दे विच पिंड दे सरपंच साहिबाज सिंह, प्रसिद्ध ढाडी जो से नगर दे ने भाई मनिंदर सिंह अते कुलविंदर सिंह जी, जिन्हां ने बहुत शुरुआत करवाई सी। सो इन्हां ते आधारित इत्थे जो एक कम काज देखेगी अज पिंड दे विच उन्हां दे मकान की तोड़न की जो सेवा शुरू की गई है। सो तुसी भी सारे ने सहयोग करना कि मकान जल्दी नेपरे चढ़ सके परिवार का। आओ आपां इस समय की जो सारी तुहानू तस्वीर है, सारी गलबात है तुहाडे सामने आपां करदे हां। सो बाबा जी आपां इत्थे पहुंचे हैं, शुरुआत हुई है, अजिहे कई परिवार ने, पर श्रोमणी कमेटी का खास करके ध्यान होना चाहिए। सिख संगत अपने दर्द ते सेवा करती है, जिवें पंजोले विच आपां ने हालात देखे ने इस परिवार के, इन्हां परिवारों की बांह फड़न वाला कोई ना कोई चाहिए है जरूर। जे वो हालात आपां देखे कि किवें रोण लई मजबूर सी, इह जे किन्ने ही सैकड़े परिवार होणगे पंजाब दे विच। समूह खालसा टीवी चैनल राहीं सुन रही समूह संगत, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। असी समूह पंथ दर्दी समाज सेवी जिन्ने भी सोचते बंदे इत्थे इकट्ठे होए हैं, जिहड़े लोड़वंद परिवार आ। वैसे तो ये सरकार का फर्ज बनता है कि असी टैक्स भी दिने सारिया चीज़ों पर, उन्हों का फर्ज बनता कि जिहड़े लोड़वंद परिवार आ जिन्हां दे मकान नहीं है, घर रहने वास्ते बसेरा नहीं है, उन्हों का वह सरकार का ही फर्ज बनता। लेकिन ये जिहड़ा परिवार आ, ये शहीद परिवार आ, इहदे विच श्रोमणी कमेटी का भी फर्ज बनता कि उन्हां नूं रहण लई मकान, ते उन्हां दा सारा ये सोचना चाहिए क्योंकि शहीद परिवार आ। इस करके जिहड़े पिंडां दे लोक इत्थों इकट्ठे हो के ते होर खालसा टीवी राही चैनल जो भी जिन्हां ने सुनिया, वो इत्थे इकट्ठे होए आ पंथ दर्दी लोग, वो सारे रल मिल के इन्हां ने सेवा आरंभ की है। ते गुरु महाराज कृपा करे ये जिहड़ा मकान आ इन्हां दा वधिया ढंग नाल बनाया जा सके। सो मैं समूह संगतां नूं बेनती करदा कि जिहड़े इहो जिहे परिवार आ उनकी मदद करनी चाहीदी है, ते आपां समाज दा भला करिए, यही वड्डी सेवा है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कुलविंदर सिंह जी, जो आपां पिछले दिन इत्थे शुरुआत की सी, अज संगतां सहयोग दे रही ने, किस तरह का सहयोग है पिंड वल्लों जां बाहर तों जो अज आपां मकान की सेवा शुरू करन लगे हां? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास थोड़ा बहुत ऋणी है खालसा टीवी का, जिन्हां की बदौलत अज नगर ते बाहरों वीरां दे बहुत फोन आ रहे हैं भी किस दिन शुरू करना, ते अज साडे को बाबा जी ते होर संगत इत्थे पहुंची भी है। बहुत धन्यवाद है जी इन्हां दा, ते संगत दी सहयोग दे नाल वाहिगुरू करे जल्दी तो जल्दी ये परिवार अपने पिंड दे विच साडे नगर च रहण, क्योंकि सानू माण है
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ SGPC ਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ SGPC ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਜਾਵਰ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਿੰਨਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਿਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ SGPC ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ, ਉਹ ਧਾਰਮੀ ਫੌਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਇਸ SGPC ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਫੜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। SGPC ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬਿੰਦਰਖ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਖਾਲਸਾ TV ਜੇ ਟੀਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੈ ਇਸ ਖੰਡਰ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਜਟ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ ਜੋ ਕੌਮ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਿਸ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪੰਥ ਦਾ ਇਹ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਜੀਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ SCPC ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ SCPC ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀਆਂ ਲਲਕਾਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਆਪ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 92 ਲੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਫੂਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਈ। ਅਸਾਈਏ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 3-3 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 0 ਗਰਾਊਂਡ ਲੇਵਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ 3 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਬਣੇ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਿਉਂ ਭੰਗ ਹੋਈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 0 ਗਰਾਊਂਡ ਲੇਵਰ 'ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਬਣਨੇ, ਅੱਜ ਅਸਾਈਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਲਈ?
सब तो पहला जे खालसा चैनल टीवी थोड़ा सानू सब तो वध थोड़े ते माण है कि ये शुरुआत ये पहल तुसी कीती ते साडे पिंड दे कुलविंदर पंजोला जी जो कि पिंड दीआं चंगीआं गल्लां दे विच सब तो मूहरे होके सोशल काम करदे ने उन्होंने ये मुद्दा चक्या तुसी आए साडे कोले ये परिवार शहीद परिवार है ते साडी त्रासदी इह है कि साडे शहीद इन्ने ने असी उन्हां विचों 10% नूं नाम जाणदे आ ते साडे बाकी शहीदां दे साडे बच्चों नूं नाम नहीं पता जिवें भाई बलविंदर सिंह जटाणा सी उन्हां नूं ओह नाम ही कई बच्चों नूं हुण पता लग्गिया ते लोक सर्चा मार रहे ने उदां ही साडे परिवारां दे साडे पिंड दे भाई बलविंदर सिंह जी बारा जी ये संघर्षी परिवार है पर जदों बारा जी शहीद होंदे ने उस तो बाद ये परिवार नूं बनदा एक माण सत्कार कमेटी वालों देना चाहिए सिख कौम वालों देना चाहिए पंथ वालों देना चाहिए कसूरवार आपां बादल नूं कहने पर आपां बादलों नूं लेके आने वाले भी असी लोग हैं असी भी उस पंथ का हिस्सा हैं असी भी उस कौम का हिस्सा पर हुण एक समा है सोशल मीडिया है निजी चैनल आ गए ने थोड़े वर्गे वीर सहयोग कर रहे हैं सो ये परिवारों की बांह फड़ होनी बहुत जरूरी है ता कि कलू संघर्ष हर एक संघर्ष लड़ाई वाला नहीं हुंदा हर एक संघर्ष हथियारबंद नहीं हुंदा संघर्ष किताबां दे भी ने पर आपां उस संघर्ष दे विच अपने बच्चे जाण अगे आओ संघर्ष दे विच लड़न वो ता ही होगा जे साडा इतिहास सुनहरी है असी अपने योध्यां नूं कौमी योध्यां नूं जे आपां अज सांभदे आ उहनां दे परिवारां नूं सांभदे आ जो कि साडा मुढ़ला फर्ज़ भी है आपां कोई दसवंध की सेवा है दसवंध की सेवा आप ऐसे परिवारों पर भी कर सकते हैं असी दसवंध कढ़ना है परिवारों पर भी कढ़ सकते हैं सो आप तुसी साडे नगर वालों असी निश्चित तौर पर कहना चाहते हैं कि ये परिवार का जो अज बाबा जी हरनाम सिंह जी ने हरमन सिंह जी ने ते मेरे को अंकल साडे महेंद्र हरमहेंद्र सिंह ढिल्लों जी भी पिछले हफ्ते आप आके गए ने उन्होंने भी सानू पूरा सहयोग देने की गल की है साडे पिंड दे विचों साडे नगर दे विचों सारे लोग साडा सहयोग पूरा देने तैयार है सो ये मकान की सेवा असी ये गल नूं यकीन दवाना चाहते हैं निजी तौर पर भी पंचायती तौर पर भी पिंड के तौर पर भी तो असी इस गल की माफ़ी चाहते हैं खुल के असी आप इस गल वास्ते बहुत लेट शुरू हुए हैं हालांकि मकान दे कोई खस्ता हालत अज नहीं हुई पिछले 10 सालों तो 20 सालों तो होगी तो असी भी इस गलों लेट है इस गलों माफ़ी चाहते हैं देर आए दुरुस्त आए कौमिक परिवारों को सांभीए साडा फर्ज है तो असी सांभांगे ये मकान की सेवा जल्दी पूरी करांगे सिख आगू हरमहेंद्र सिंह ढिल्लों मोहाली तो जो हालात पता लगते ही परिवार के कोल अज शुरुआत दे टाइम वो पहुँचे ने उन्हां नाल भी आपां गलबात कर लें सिंह साहब जी बहुत आपां हालात इहो जे सामने आउंदे ने अज इन्हां परिवारां दी लोड़ है तुसीं खुद दर्द रखदे हो इस परिवार कोल पंजोले विखे पहुँचे जिथे संगतां परिवार दे मकान की सेवा शुरू करन जा रहीयां ने मैं सब तो पहलां तुहाडा अकाल चैनल दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा तुहाडे थ्रू जदों 5-7 दिन पहलां तुसीं इस परिवार नाल सहमत हो के तुसी इत्थे चैनल दे उत्ते इन्हां दा इंटरव्यू लैके भेजिया वो वीडियो देखण ते सानू थोड़ा दुख भी महसूस होया ते असी इत्थे दौड़ के आए हुए हाँ मैं हरमिंदर सिंह ढिल्लों मैं पहला अपना जीवन दसदा कि मैं सारे दुख आप हंडाए ने जिन्हां भी तुसी खड़कुआं दा नाम लै रहे हो मेरे सारे मेरे साथी रहे ने गुरजंट सिंह राजस्थानी दा मुकाबला मेरी कोठी जी होया है मैं 4-5 साल जेल भी कट्टी है तो बहुत सारे खाटकू मेरे साथी कुछ बाहर निकल के वो शहीद हो गए ने कहने का भाव है कि मैं पूरा संघर्ष और मैं संत जरनैल सिंह जी के बहुत नेड़े भी रहा उस सदका मैनू बहुत दुख झलने पे मेरा बड़ा तकड़ा कारोबार सी चंडीगढ़ से पर मैनू सरकार ने बिल्कुल ग्रास लैवल तक लिया मैनू भी मारन की पूरी कोशिश की सैनी ने मारिया अजीत सिंह ने संधु ने भी खत्म किया पर सतगुरु सच्चे पातशाह ने मेरे ते कृपा की है साढ़े नाल इस समय हाजिर ने जहेदार दिलबाग सिंह जी बुरजवाला जो खुद इस संघर्ष दे विच रहे ने हड्डी दुख हंडाया तो इन्हां नूं पता सारा कुछ देखा जहेदार जी बहुत शहीद परिवार ने अज सारनी पुछी जा रही संगत अपने तौर पर जो कोई पता लग जाता सेवा हुंदी अज पंजोले दे विच तुहाडे साथी रहे ने बलविंदर सिंह जी बारा उन्हां दे परिवार दे बारे असी चैनल ते लिआंदा तां अज संगतां वल्लों शुरुआत होई है पिंड वासियां वल्लों रल मिल के कि मकान की सेवा शुरू होण जा रही है की कहना चाहोगे अजिहे परिवारां बाबत ते बारा जी बारे तुसीं किन्ना कु जाणदे हो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बहुत ही एक परिवार दीना दी बहुत लेट है जिहड़ी मदद होनी चाहिए थी क्योंकि सानू पता है ये दिलवारा सिंह मेरी गै साथी रहे हैं असी कोई माड़ा काम नहीं करिया पर पुलिस ने मगर पै के रात को 1:30 बजे नूं पहला इत्थों चक्किया उस तो बाद मेरे घर गए तो मैनू सुनेहा भेजता कि पुलिस 5-7 गड्डियां आ गई पंजोले वाले नूं चक ले गए तेरे साथी नूं और तैनू चक ले जाना इन्हां ने मुकाबला दिखाउणा है उदों
दास फिर पिछली कंध नूं छाल मार के भज गया। बड़ियां पुलिस ने संघर्ष किया, जिंदे कुंडे ला के परिवार नूं बाहर कढ़िया भी लियाओ कित्थे बाघा कित्थे। तो वह कहिंदे भी कोई नहीं, भी सानूं पता नहीं, असीं पेश कर दूंगे। कई दिन बाद 12 पिंडां दीआं पंचायतां कट्ठियां हो के तां सिफारिश भी लाई गई। बापू जी ले के गए मैनू पेश करन वास्ते गए। जदों सीए स्टाफ गए, जसपाल सिंह DSP उत्थे, दरबारा सिंह तां पहलां फड़िया होया था, तां दास नूं भी पेश करना कीता। उन्होंने कहा भी यह दोनों मुकाबला करना, असीं राती मारने हैं, जदों भी हो सकता उन्हूं लियाओ। तां पेश करन दी स्कीम होई होई थी। मैनू उरले पासे चबारे मैं बहल गए पहलां, फिर गलबात करन वास्ते, सिफारिश लाउण वास्ते। जदों मगरोड़िया जगीर होर 12 पिंडां दीआं पंचायतां 5 सरपंच पहुँचे हुए थे, उत्थे अंदर सूह मिल गई इन्हां नूं कि भाई बुरज वाली नूं उड़ीक रहे आ, वो इन्हों का मुकाबला करना है। आ के उन्होंने बापू जी नूं दस्या कि तू मुंडे नूं अपने की मौत दी मूँह पाउना, जिन्ने दिन कटदा इहनूं कट लैण दे, उन्होंने तो मार देना ना पंजोले वाला छड़ना। तां करके उत्थे मेरे गैर मेरा साथी था, मैं भी उदों स्कूटर ते सवार होकर टिब्बिआं नूं चढ़ गया। मैं महीना दो महीने फिर टिब्बिआं च अपने साथियों के गल खाड़कों के गल रहा, और उधर उदा पता लग गया कि वह मुकाबला करके मार दिता गया। उन्होंने पिता जी मेरे को भी आते रहे, पर मैं दसता था कि भाई उन्होंने दसी ना, उसकी हालत खराब है, वो बड़ा अफसोस कर रहा अपने बेटे का, पता भी कर रहे पता लग नहीं रहा। पर फिर जदों दो महीने निकल गए उदों फिर थोड़ी जी शांत हुई, क्यों मुड़स तो मगर पई हुई थी। फिर DSP महेंद्र सिंह था, उन्होंने कहा तू बापू जी नूं पेश कर दे। बेटा आप जो हालात सी मकान दे, अज तक तुसी दस्या नहीं, कदे मंगया नहीं किसी तो, पर गुरु महाराज ने विध बनाई है कि साढ़े ध्यान में आए सी, आप इतों शुरुआत की है, संगत ने सहयोग शुरू कर दिता है कि अज तुहाडे मकान की जो शुरुआत होनी जा रही है, की कहना चाहुंदे हो होर संगत नूं? पहला तो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिन्हें मेरे सहयोगी वीर ने, जिन्हें मतलब जिन्होंने साथ दे रहे ने, सारे सारे का दिलों धन्यवाद। सरपंच साहब का धन्यवाद, मोहाली तो आए ने इन्हों का धन्यवाद, पिंड वाले का धन्यवाद, बाबा हरमन सिंह जी का धन्यवाद, थोड़े चैनल का धन्यवाद, क्योंकि थोड़े संजोग के नाल ही ये जोड़ा मुद्दा है ये चक होया। सो बेनती करांगे संगतां नूं कि महंगाई का दौर है, तो मकान जो शुरू होने जा रहा है, साढ़े नाल पिंड दे सरपंच साहब कुलविंदर सिंह ढाडी, मनिंदर सिंह, सारे जो इत्थे योग सेवा निभाउणगे साडे नाल हाजर ने, होर भी शख्सियत हाजर ने, मोहाली तो भी वह सिंह साहब पहुँचे ने जिन्हों का संघर्ष दे विच बहुत वड्डा योगदान रहा। आओ लोड़वंद कोई भी होवे सारिआं दा सहारा बणीए, तां ही साडा किरत सफल है। सो पंजोला विच परिवार दे नाल तुसीं खुद आ के कंटैक्ट कर सकदे हो, इत्थे इन्हां पिंड दे जो भी सारे ही हाजर ने इत्थे मोहतबर सरपंच साहब मनिंदर सिंह ते कुलविंदर सिंह, सो इन्हां नाल मिल के तुसीं जो भी किसी तरह की मटीरियल की लोड़ है, तां कि इस परिवार के जो हालात ने उन्हां विच सुधार करिए, आपां रल मिल के इहदे विच ही आपां नदर बख्श दे पात्र बणांगे उस मालक दे, क्योंकि नीचा अंदर नीच जात नीची हूँ अत नीच, नानक तिन कै संग साथ वड्या स्यों कै रीस, जिथे नीच संभालिया तिथे नदर तेरी बख्शेस। सो मैं इस समय अपने पिंड वजीदपुर तो सबका सरपंच हरकीरत सिंह मावी, जिन्हां वल्लों आस्ट्रेलिया तो विशेष तौर पर वीडियो देखते हुए साड़ी 5000 की सेवा भेजी गई है, सो मैं इत्थे इन्हां नूं सौंप रहा उन्हां दे वल्लों, ते होर भी जो सेवा तुसीं आके इन्हां नूं दे सकदे हो, ताकि जल्दी परिवार ने ये जो अपने मकान विच बस सके, होर भी जिहे परिवार ने आओ उन्हां लई भी आपां यतन करिए, भावें होर भी कोई लोड़वंद ने जिन्हां दी छत डिगण वाली है, इलाज की लोड़ है, रोटी की लोड़ है, तरस